हेलो दोस्तों, वेलकम टू इलेक्ट्रॉनिक स्टडी यूट्यूब चैनल। आज के न्यूज़ के बारे में बात कर लेते हैं। आपका यूपी टीईटी से रिलेटेड है, आपकी बीटीसी जो है रिजल्ट से रिलेटेड है, और अगर बात की जाए जो है तो एक और तीसरी जो न्यूज़ है वो भी आप देख रहे होंगे कि टीईटी का जिम्मा संभाल रही एजेंसी पर भी उठ चुके हैं सवाल। ये है आपकी न्यूज़। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जो है, यहाँ पर जल्द घोषित होंगे बीटीसी के लंबित रिजल्ट। इसमें है परीक्षा नियामक प्राधिकारी का कार्यभार ग्रहण करने के बाद अनिल भूषण जी, जो भूषण चतुर्वेदी जी है, लखनऊ में शासन के अधिकारियों के साथ बीटीसी के लंबित परिणाम जल्द घोषित करने और उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि यूपीटीईटी जल्द कराने की चर्चा की है। इसके अलावा बीटीसी 2015 के तीसरे सेमेस्टर का रिजल्ट घोषित करने और चौथे सेमेस्टर की परीक्षा तिथि की घोषित करने पर जो है मंथन किया है। अगर बात की जाए, इससे पहले जो प्राधिकारी नियामक प्राधिकारी की जो सचिव थीं, जो हेड थीं डॉक्टर सुप्ता सिंह, इन्होंने जैसा कि बोला था कि 8 सितंबर को बीटीसी का रिजल्ट जो है घोषित कर दिया जाएगा, घोषित करने का आश्वासन दिया था, लेकिन उनके निलंबन के बाद जो है ये डेट जो है वो एक तरीके से कन्फर्म नहीं थी। फिलहाल अब जल्दी ही जो है चतुर्वेदी जी ने भी जल्दी बोला है कि रिजल्ट आपका जल्द ही दे दिया जाएगा, ठीक है। और ऐसे में अभी ये भी है कि बीटीसी चौथे सेमेस्टर की अभी परीक्षा तिथि भी घोषित नहीं है, तो बीटीसी सेकंड सेमेस्टर, तो अभी जो है परिणाम की बात, और रही बात डेट की, एग्ज़ाम डेट की, तो वो इसके बाद ही होगी। तो जैसा कुछ होगा जो है आप सभी को न्यूज़ में बता दिया जाएगा, आप सभी को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। कुछ भी नई अपडेट मिलती है तो चलिए बात कर लेते हैं। अब 4 नवंबर को हो सकता है आपका यूपीटीईटी, बिल्कुल आपकी जो डेट थी 28 थी, 30 हुई, फिर जो है अब 4 नवंबर जो है कर दी गई है, कर दी जाएगी, इसकी पूरी जो है अब संभावना दिखाई दे रही है। यहाँ पर है बेसिक शिक्षा की भर्ती के लिए अगली जो यूपीटीईटी 4 नवंबर को आयोजित की जा सकती है। इससे पहले बेसिक शिक्षा विभाग ने यूपीटीईटी 28 अक्टूबर को कराने का निर्णय जो है के अनुसार समय सारणी जारी किया था। तो अब ये कह रहे हैं कि 30 किया था, फिर इन्होंने 28 को इन्होंने बोला कि यूपी पीसीएस की प्री जो एग्ज़ाम है वो पढ़ रहा है, तो अब जो डेट है वो 4 नवंबर बिल्कुल फॉर श्योर है कि आपकी हो सकती है यूपीटीईटी जो आपका 2018 है उसकी एग्ज़ाम की डेट। तो यहाँ पर आप अच्छे तरीके से देख सकते हैं जो न्यूज़ है, इसमें डिटेल में बाकायदा लिखा हुआ है क्या कुछ रीजंस हैं जो है और जिसकी वजह से जो है ये लेट हो रहा है। और अगर बात की जाए एक और न्यूज़ के बारे में, तो इसमें है कि टीईटी का जिम्मा संभाल रही एजेंसी पर उठ चुके हैं सवाल। परिषदीय स्कूल में शिक्षक भर्ती की लिखित परीक्षा में कार्य करने वाली एजेंसी पहली बार निशाने पर नहीं आई है, बल्कि परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय में कार्य कर रही कई एजेंसियों पर गंभीर आरोप लग चुके हैं। यह अलग बात है कि अफसरों ने हर बार आरोपों को खारिज किया है। तो ये भी आप देखें जो है कि अभी टीईटी हुआ भी नहीं है और जो उसकी जिम्मा उठा रही एजेंसी 2017 में उस पर सवाल जो है उठ चुके थे, जैसा कि अभी जो लिखित भर्ती परीक्षा में हुआ है उस पर जो है सवाल उठे हैं। कंप्यूटर जो आपकी एक तरीके से रीडिंग वाली जो एजेंसी थी, जो रीड कर रही थी जो पेपर्स को, सॉरी आपकी लिखित परीक्षा को, जो भी जितने भी थे वो, उस पर सवाल उठे हैं। अब जो है यूपीटीईटी भी को कराने वाली जो एजेंसी, उस पर भी जो है सवाल उठ चुके हैं, तो उठ रहे हैं। अगर कुछ इससे संबंधित और न्यूज़ आपको मिलती है, फिलहाल अभी ऐसा कुछ नहीं है, आपका टीईटी जो है बस 28 से 4 किया गया है। कुछ और न्यूज़ अगर मिलती है तो आप सभी को उसे अपडेट किया जाएगा, आपका रिजल्ट जो है वो भी जल्द ही आएगा। बस आप लोग जो है जो बीटीसी सेकंड सेमेस्टर वाले हैं, फाइल्स वगैरह अपनी आप कंप्लीट करते रहिए, जिनकी टीचिंग हो अपनी टीचिंग कंप्लीट करते रहिए। रही बात यूपीटीईटी की, तो कई सारे मॉक टेस्ट इलेक्ट्रॉनिक स्टडी पर ऑलरेडी अपलोडेड हैं। जल्दी ही नई सीरीज शुरू की जाएगी जिसमें आपको मॉक टेस्ट अच्छे अच्छे मिलेंगे, उसमें 20 क्वेश्चंस होंगे आपके जो है। कोशिश की जाएगी एक दिन में आपको दो दो मॉक टेस्ट दिए जाएं, तो जुड़े रहिए इलेक्ट्रॉनिक स्टडी के साथ में। जल्दी मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक नए प्रकरण को लेकर के, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।